Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Hello dear students, from class 8. आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का मीन हम आपको साधारण भाषा में बता दें, यदि कोई व्यक्ति किसी से उधार लेता है, कर्ज लेता है, या फिर कोई रुपया लेकर कोई मनी लेकर अपना बिजनेस शुरुआत करता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम कर्ज ले लिए हैं, ठीक है, कर्ज लिए हैं, जितना भी लिए हैं वो हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, ओके। और उस पर एक दर होता है कि हम इतना रुपया आपको दे रहे हैं, इतने रेट से हम आपका टैक्स लेंगे। तो जो दर रेट दिया रहेगा, रेट हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है, ओके, और प्रिंसिपल हमेशा रुपीज में दिया रहेगा, क्लियर है। और टाइम को टी से कहें या फिर एन से कहें, दोनों डिनोट किया जाता है। ए आपका मंथ में भी हो सकता है और ईयर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, यानी कि जो आप कर्ज लिए हैं उसका रेट कुछ रहेगा, टाइम कुछ रहेगा, चाहे वो मंथ में हो, ईयर में हो या फिर डेज में हो, क्लियर है। अब इतना होने के बाद, इसका टाइमिंग पूरा होने के बाद, यदि आपको दिया गया कर्ज पूर्ण हो गया है तो आपको उसे कितना लौटाना पड़ेगा, लौटाना जो पड़ेगा वो आपका अमाउंट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट किसके इक्वल रहेगा, प्रिंसिपल के रहेगा, प्रिंसिपल के, ओके, प्रिंसिपल, क्लियर है, PAL, प्रिंसिपल। अमाउंट जो रहेगा, प्रिंसिपल तो रहेगा ही, जो मूलधन लिए हो वो तो रहेगा ही, प्लस उसको इंटरेस्ट भी रहेगा। इंटरेस्ट यानी कौन सा इंटरेस्ट, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, क्लियर है, ओके। अमाउंट को शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा A=P+CI, या CI का फार्मूला हम निकालना चाहें तो CI का फार्मूला होता है A-P। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके। अब हम CI की बात करें, किसकी, CI की, तो CI के बाद अभी बाद में करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अमाउंट। अमाउंट का एक बहुत ही प्रचलित फार्मूला है, A=Amount = प्रिंसिपल एंड 1+Rate/100n। इससे आपका, इस फार्मूले से आपका निकल जाएगा अमाउंट, क्लियर है, ओके। और यहां से एक फार्मूला और है CI का, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो रहेगा P। देखिए इसी में वैल्यू रखना है, CI का फार्मूला A की वैल्यू है P1+R/100n माइनस इस P को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये है CI का फार्मूला, ये है अमाउंट का फार्मूला। यहाँ पर 1, 2, 3 टोटल 3 फार्मूला है, क्लियर है, ओके। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज 10.1, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल दिया है, इसमें कुछ खास नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। पहला पार्ट बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, तो हमें निकालना है अमाउंट और CI दोनों निकालना है। तो पहले को सॉल्व करते हैं, जो जो दिया है उसे राइट करेंगे। प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपीज, ओके। टाइम टी दिया है 3 इयर्स, रेट दिया है 15% पर एनम, पर एनम का मीन्स होता है वार्षिक, एक वर्ष के लिए 15%। तो यहां से हम निकालेंगे अमाउंट,
ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी वन प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल टू पी की वैल्यू है 6000 वन प्लस 15 अपॉन 100 पावर टी यानी एन कितना है 3। ए इक्वल टू 6000 इंटू, यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 बन जा 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 होल पावर 3। ए इक्वल टू 6000 इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम एंड यहां से 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, साइड में देखते हैं, ए इक्वल टू आप लोग साइड मत कीजिएगा, नीचे ही राइट कीजिएगा। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखते हैं 3 टाइम 0 से 213 कैंसिल हो गया। अब 115 इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 152.0875 इंटू, अभी यहाँ पर 6 बचा है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे लास्ट में नीचे कितना बचा है 3 टाइम 0, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9125.25। ये आपका अमाउंट आ गया 3 ईयर का। ओके, तो सी आई क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 9125.25 माइनस 6000, सब्ट्रैक्ट करने पर 3125.25 रुपीज, ए है आंसर। आंसर यहां पर दो आया है, पहला तो अमाउंट है, दूसरा है सी आई। ओके, ये है आपका आंसर। और आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपका सेकेंड पार्ट बचा है, ठीक है। देखिए रेट है 12.5 यानी कि इसे हम 12.5% भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं बताया सेम टाइप से उसकी वैल्यू उसमें पुट कीजिएगा और उसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक इन्वेस्टेड 2 लाख एट 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द फॉलोइंग, द अमाउंट ही विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर। देखिए यहाँ पर पहला पार्ट जो है, पहले पार्ट में हमें थर्ड ईयर 3 वर्ष के लिए अमाउंट फाइंड करना है। ओके, 3 वर्ष के लिए अमाउंट हो गया। अब जो बी पार्ट है, बी में क्या करना है, द इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर, फिफ्थ वर्ष के लिए सी आई फाइंड करना है। तो आइए इसको देखते हैं, पहले पार्ट को। पहले पार्ट में दिया गया है प्रिंसिपल, दिया गया है 2 लाख। ओके, रेट दिया है 15%, टाइम दिया है 3 इयर्स। तो यहां से अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। तो यहां से ए इक्वल टू पी की वैल्यू है 2 लाख इंटू वन प्लस 15 अपॉन 100 पावर 3। यहां से ए इक्वल टू 2 लाख इंटू 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 इंटू 100। देखिए एक बार यहां से सॉल्व करने पर 115 अपॉन 100 आएगा तो उसका 3 पावर्स है यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू 4 1 5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3041750 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर ए इक्वल टू ए की वैल्यू आ गया 3,04,175 रुपीज। ओके, ए आ गया। अभी हमें बी पार्ट भी सॉल्व करना है। बी में क्या कहा था, इंटरेस्ट फॉर फिफ्थ ईयर, सी आई फॉर फिफ्थ ईयर।
तो यहां से सी आई हम जब निकालेंगे तो सी आई निकलता है 2 लाख, सेम कंडीशन सेम ही है, ओके। कितने, इतना ही रहेगा 50 ईयर और माइनस 2 लाख। देखिए सी आई का फार्मूला मैंने लगाया, मैंने भी बताया था सी आई का फार्मूला कैसे बनता है, सी आई का ए माइनस पी। तो यहां पर सी आई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 100 कितना हो गया, ये 15, तो 115 कितनी टाइम, 5 टाइम, वन टू थ्री फोर फाइव इंटू ए हो गया 5 टाइम। अब यहां से माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, कितना 2 लाख, ओके। मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको, यहां पर 2 लाख है। तो सी आई इक्वल टू 3 to 5 टाइम 0 है, 2 to 4 on 5 टाइम 0 कैंसिल हो गया। यहां से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 20 11 35.7 माइनस 2 लाख। यहां से सी आई इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 40 2 2 7 1.4 माइनस 2 लाख। सी आई इक्वल टू, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 लाख में से 2 लाख सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल 2 लाख 22 7 1.4, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। ये है आपका पहला आंसर, ये है ए पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, क्लियर है। इसके दोनों पार्ट को मैंने सॉल्व करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अश्विन डिपॉजिट 75,000 इन ए बैंक वेयर द इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली, फाइंड द अमाउंट विल रिसीव आफ्टर 3 ईयर एट 16 per annum, ओके। यहां पर दिया गया है अश्विन ने बैंक में 75,000 को डिपॉजिट किया, ओके। इंटरेस्ट इज क्रेडिट हाफ ईयरली, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो हाफ ईयरली मिलेगा। फाइंड द अमाउंट विल रिसीव, उसका अमाउंट फाइंड करना, कितने इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, लेकिन अमाउंट कितने में क्रेडिट हो रहा, हाफ ईयरली। तो 3 इयर्स का हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, 6 हाफ ईयरली। सॉल्व करते इसको, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंसिपल दिया गया है 75,000, ओके। रेट दिया है 16% पर एनम, 16% पर वर्ष दिया है, पर ईयर दिया है, लेकिन हमें ईयरली मिलाना है ना। तो ईयरली में देखिए, एक ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 16/2 करेंगे तो सीधे आ गया 8% हाफ ईयरली, ओके। ये रेट हो गया। यहां से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हाफ ईयरली, 3 मंथ या फिर क्वार्टर फाइंड करना है, तो जितना 1 ईयर में होता है उसी से डिवाइड करना है, रेट भी डिवाइड करना, टाइम भी डिवाइड करना है। टाइम दिया है 3 इयर्स, 3 इयर्स में कितने हाफ ईयर होते हैं, 3 का है 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हाफ ईयर, ओके। अब यहां से अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, एज इक्वल टू पी 1 plus R upon 100 power n, एज इक्वल टू दिया है 75,000 इंटू 1 plus R की वैल्यू है 8 upon 100 power 6। इसको सॉल्व करेंगे अब 75,000, यहां से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 4 2 जा 8 और यहां से 25 4 जा 100, 25 1 plus 27 upon 25 whole power 6। यहां से ए इक्वल टू 75,000 इंटू, देखिए अब यही हो सकती है आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्यों, क्योंकि 27 upon 25 का मल्टीप्लाई करना 6 टाइम, तो हम 27 का मल्टीप्लाई कितनी टाइम कर रहे हैं,
सिक्स टाइम, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 25 का भी सिक्स टाइम। क्लियर है? ओके, अब हम यहाँ से और नीचे सॉल्व करेंगे। एज इक्वल टू 75,000 इंटू, इसका जो वैल्यू आएगा बहुत ही लंबा आएगा, ये साधारण तो कैलकुलेशन संभव है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही संभव हो पाएगा। ओके, या फिर आप इसे छोटा करना चाहें तो डायरेक्ट यहीं पर डेसिमल फॉर्म में कर लीजिए, डेसिमल फॉर्म में करने के बाद छोटा हो जाएगा। क्लियर है? ओके, यहां से इसको जब हम कट करेंगे तो 1.59 एज इक्वल टू 75,000 इंटू 1.59, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 119,250 रुपीज, 119,250 रुपीज, ये आ गया इसका अमाउंट। कब? जब CI इसका हाफ ईयरली पेड हो, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 15 मंथ इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 20% पर एनम। मैंने अभी बताया कि हमें इसमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल दिया है 25,000, ईयर दिया है 15 मंथ, 15 मंथ का हम क्वार्टरली फाइंड करेंगे, क्वार्टरली में कितना हो जाएगा, 5 क्वार्टरली होगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया गया है प्रिंसिपल 25,000, ओके, प्रिंसिपल दिया गया 25,000, रेट दिया गया है 12% पर एनम, पर एनम, ओके, इसको हम जब क्वार्टरली फाइंड करेंगे तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टर का मीन्स होता है चौमासा, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ गया 3%, ओके। और यहाँ से जो एन टाइम दिया गया है वो है 15 मंथ, 15 मंथ का जब हम निकालेंगे तो 15/3 इक्वल टू 5 क्वार्टरली हो जाएगा, क्वार्टर ईयर, ओके। तो यहाँ से हम अमाउंट फाइंड करेंगे, सबसे पहले अमाउंट, फार्मूला तो पता ही हो गया सबको कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो पी की वैल्यू है 25,000, ओके, 1 प्लस रेट कितना है 3/100^5, एज इक्वल टू 25,000, 103 हो गया, अपान 100^5, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, और 103 × 103 × 103 × 103 × 103 upon 100 × 100 × 100 × 100 × 100, इतना करने के बाद 213 टाइम 0 से 0 कैंसिल हो गया, एज इक्वल टू 825 है, इंटू इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.1159.3, एंड यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,981.88, ये आ गया हमारा अमाउंट। क्लियर है? अब हमें CI निकालना है, CI कैसे निकलेगा, A माइनस P होता है, A माइनस P वैल्यू पुट करेंगे, 28,981.88 − 25,000, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 3,981.88 रुपीज़।
ए आ गया सी आई, ओके ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विनोद डिपॉजिट 30,000 इन ए बैंक एट 15% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2.5 ईयर, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली हाफ ईयरली। देखिए यहाँ पर दो चीजें हमें निकालना है, एक ईयरली का निकालना है, दूसरा हाफ ईयरली का निकालना है, बाकी सेम कंडीशन है। ठीक है, इसको आप सब सॉल्व कीजिएगा। प्रिंसिपल 30,000 है और इसका जो रेट है 15% पर एनम, सबसे पहले ईयरली निकालिएगा, लिखिएगा ईयरली निकालिएगा, ठीक है, और हाफ ईयरली। तो यहाँ पर ईयर जो है फ्रैक्शन में दिया है, तो हो सकता है आप लोग प्रॉब्लम हो जाए, तो फ्रैक्शन के लिए इसका एक अलग फार्मूला होता है, आइए इसको हम बता देते हैं। नेक्स्ट सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5। इसका प्रिंसिपल दिया है 30,000, ओके, रेट दिया है 50% पर ईयर, और इसका टाइम जो दिया है 2.5 ईयर दिया है, यानी कि ढाई वर्ष। ठीक है, देखिए इसका जो हम पहला फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट ईयरली, क्या जब इसका अमाउंट ईयरली दिया जाए तब, तो ईयरली निकालने के लिए सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, पी दिया है 30,000, फार्मूला नहीं लिखेंगे, रेट है 15% अपॉन 100 इंटू टाइमिंग इतना है, क्लियर है। देखिए जब टाइमिंग में फ्रैक्शन आ जाए तो इसके लिए आपको एक अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, टाइमिंग में जब फ्रैक्शन आ जाए तो यहाँ से आपके लिए एक अलग फार्मूला लगता है, क्या सबसे पहले होल नंबर्स का जो रहेगा, जैसे 2.5 ईयर दिया ना, तो सबसे पहले 2 ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद उसी में इतने का हम जो हाफ ईयर का है ना 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई हम इसके रेट में कर देंगे और अपान 100 कर देंगे। ये है आपका फार्मूला, यानी कि टाइप है कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है यदि टाइम जो है फ्रैक्शन में दिया रहे। तो यहाँ से 30,000 यहाँ हो गया 115/100 / 2 इंटू, यहाँ से 215/200, ओके, यहाँ से एक ही वैल्यू निकालेंगे 30,000 इंटू 115/200 / 200, 4 × 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ओके। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 115/100 / 215, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 85/30/125 इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 42,650.625, ये है अमाउंट, ओके, अमाउंट हो गया। अब यहां से जो भी पहला पार्ट हमारा निकला, ठीक है, दूसरा पार्ट निकालेंगे इसी तरह से, लेकिन निकालने से पहले इसको आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, इसका जब बी पार्ट सॉल्व करेंगे, बी पार्ट में बोला था कि हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मीन्स इसका रेट भी आधा हो जाएगा और टाइम इसका ढाई वर्ष का हाफ ईयरली कितना क्या हो जाएगा 5 हाफ ईयरली, ओके। तो यहां से अमाउंट का फार्मूला लगाएंगे, सेम टाइप से सब सॉल्व करेंगे, 1 + 15/2 कर देंगे अपॉन 100/5 इज इक्वल टू 30,000 इंटू, देखिए 15/2 हो जाएगा 200 + 15, ये हो गया 215/200 / 5, इसको जब सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 30,000 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करें या फिर डायरेक्ट पावर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 4 एंड लास्ट 5 अपॉन 200। इसका कैलकुलेशन ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो कहीं भी मिस्टेक करेंगे तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड निकालने पर इसका आ जाएगा 1.43562। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 43,068.88। ये आ गया इसका अमाउंट, इसका क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया। ओके, पहले का अमाउंट आ गया था, दूसरे का अमाउंट आ गया, इतना क्लियर है। ओके, देखिए इसमें अभी मैंने अमाउंट निकाला है, क्लियर है, क्या निकाला है अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के बाद आप उसी समय सीआई भी निकाल लीजिएगा, पहले और दूसरे पार्ट का सीआई भी निकाल लीजिएगा। पहले में मैं निकाला ही नहीं हूँ, उसको छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं निकाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ जब राइट कीजिएगा पहले तो निकाल लीजिएगा। सीआई होता है ए माइनस पी, यानी कि 43,068.88 में से 30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 13,068.88। ये आ गया पहले का, ओके, ये आ गया पहले का, मतलब इससे दूसरे वाले पार्ट का। और उसी क्रम में हम पहला यहाँ निकाल दे रहे हैं, जो भी आया होगा इसको आप वहीं पर राइट कीजिएगा। उसमें आया था 42,650.625, क्लियर है, ओके। और उसका जो प्रिंसिपल था 30,000 था, यहाँ से भी उसका सीआई आ जाएगा 12,650.625। यहाँ से पहले का सीआई है और ये दूसरे का सीआई है। अब सीआई का क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट को। ये आपका हो गया इतना, अब सबसे लास्ट में लिखेंगे, ये पहले था आपके लिए पहले पार्ट का, दूसरे पार्ट का, दूसरे पार्ट के नीचे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सीआई। तो सीआई जो हाफ ईयरली लिया गया था, देखिए इसमें ये नहीं करना कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो बड़ा होगा, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, कम वाले को। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितना आता है, जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 418.255 रुपीज, ये आ गया दोनों का डिफरेंस। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या बहुत ही लंबा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी यहाँ पर मैंने केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कराए हैं और करीब आधे घंटे का वीडियो हो गया है। अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2,15,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम विथ व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। देखिए मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया इसका 5 वाला, ईयरली एंड हाफ ईयरली का, लेकिन सेम टाइप से यही भी सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन भी उसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले ईयरली निकालिएगा, बहुत ही आसान निकलेगा, इसमें सब सिंपल सिंपल दिया है। ईयरली निकालिएगा, उसके बाद क्वार्टरली निकालिएगा। ईयरली क्या निकालिएगा, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ये निकालने के बाद, या फिर सीआई का ही फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। ईयरली निकालने के बाद क्वार्टरली निकालिए, क्वार्टरली में कितने परसेंट का करेंगे, तो क्वार्टरली में कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2.5% पर क्वार्टर। ओके, ईयर का करेंगे तो ईयर आ जाएगा आपका 6,
क्योंकि टू दिया ना, वन ईयर में थ्री क्वार्टर होते हैं, तो थ्री टू जा सिक्स क्वार्टर ईयर। ओके, तो दोनों का सी आई निकाल के उसका डिफरेंस फाइंड कर लीजिए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 17,000 फॉर थ्री ईयर्स एट मंथ एट 15% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखिए सिक्स को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन भी सेवन भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ईयर जो दिया, मंथ दिया, उसको ईयर में चेंज कर लीजिएगा। क्लियर है? ईयर में चेंज करने के बाद मैंने बताया था फाइव क्वेश्चन इस टाइप का, तो वहां से इसको भी लगाने का प्रयास कीजिएगा। यदि लग गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।